अभी हम इसके अंदर फिर मार्जिन अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ हो नहीं पा रहा किसी वजह से, शायद हमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। तो हम सारी क्लासेस में मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है हम उसको इस तरह से मार्जिन डैश लेफ्ट करके यहाँ से अप्लाई करते हैं 5 पिक्सल का, और यहाँ से इसको लेके हम कॉपी करते हैं, इसमें डाल देते हैं और फिर ये फीचर हम इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इनके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अच्छा, जो दूसरा क्लास वाला फीचर था उसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास ये दो क्लासेज हैं, बोल्ड और इटैलिक। अब बोल्ड और इटैलिक जो क्लासेज हैं इसमें एक बोल्ड कर रहा है और दूसरा इसको इटैलिक कर रहा है, ठीक है। अब हम इन दो क्लासेस के ऊपर कोई नया फीचर ऐड करना चाह रहे हैं जो हम पिछले मेथड की तरह कर रहे थे, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बोल्ड और इटैलिक क्लास को हम किसी एक पर अप्लाई करने से पहले हम इसको यहाँ पे जाते हैं और इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसी एक क्लास के ऊपर, जैसे कि ये पी फॉन्ट पे इस पर जाके बोल्ड क्लास को अप्लाई करते हैं। तो जब मैंने इसके ऊपर बोल्ड क्लास को अप्लाई किया तो यहाँ पर सिर्फ ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है। और जब मैंने इसको यहाँ से सिर्फ इटैलिक क्लास को अप्लाई किया तो ये सिर्फ यहाँ पे इटैलिक हो रहा है, बोल्ड नहीं हो रहा, सही। तो अब यहाँ पर जाके हमने क्लिक किया और सी एस एस में जाके एक क्लास ये ली हमने बोल्ड, और यहाँ से क्लिक करके डॉट इटैलिक क्लास ली और फिर इन दोनों क्लासेस की बॉडी बनाई। यहाँ पर एक फीचर हमने ऐड किया फॉन्ट कलर का और उसमें हमने कलर्स का सेट कर दिया ये वाला। अब यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो अब देखते हैं यहाँ पे जाके इटैलिक क्लास यहाँ पर अप्लाइड है और इसके साथ हमने बोल्ड क्लास भी यूज़ करी। तो इसके साथ जब मैंने बोल्ड क्लास यूज़ करी तो आपने यहाँ पे देखा कि जब दोनों क्लासेस को एक साथ इस्तेमाल किया तो यहाँ पर कलर वाला इम्पैक्ट भी इस पर पड़ गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बोल्ड को यूज़ करता हूँ तो सिर्फ बोल्ड हो रहा है, और जब इटैलिक को यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ इटैलिक हो रहा है, लेकिन जब दोनों क्लासेस को यूज़ कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन के अंदर तो आप ये देखें कि बोल्ड और इटैलिक के साथ साथ जब दोनों को एक साथ करते हैं यूज़ तो तीसरा वाला जो उसके अंदर हमने फीचर ऐड किया है कलर वाला भी इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि वहाँ पर ये काम क्यों नहीं हो रहा था? वहाँ पर इसलिए काम नहीं हो रहा था कि हम तीनों क्लासेस को मिला के फीचर तो एक दे रहे थे, फीचर अप्लाई हो रहा था, लेकिन फीचर कब काम करेगा? जब हम यहाँ पे जाके सर्किल, स्क्वायर और सिलेंडर तीनों क्लासेस को यूज़ करेंगे तो जाके वो फीचर उसके ऊपर काम करेगा, समझे मेरी बात। हाँ, इसमें ये हो सकता था कि अगर हमें मार्जिन के साथ इसको यूज़ करना था, सर्किल को और स्क्वायर को करना था, तो फिर हम इनको अलग अलग यूज़ करते, मतलब लेकिन अलग अलग यूज़ करते कोड बढ़ जाता है उस पर, फिर हम सही तरह उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। इसके लिए यही बेहतर था कि आप इसके अंदर अलग अलग मार्जिन दे दें ताकि जब भी इनको लिखें तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ हो। तो ये जो टेक्निक है क्लास के अंदर एक नया फीचर ऐड करने की, डॉट फर्स्ट क्लास, डॉट सेकेंड क्लास, डॉट थर्ड क्लास, मतलब जब आप ये दो क्लासेस किसी एक एलिमेंट पर लगाएंगे तो ये फीचर काम करेगा, जब आप ये वाला क्लास यूज़ करेंगे तो यही फीचर काम करेगा, और जब ये यूज़ करेंगे तो यही फीचर काम करेगा। इस तरह तीन क्लासेस का कोई कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं किसी पे बोल्ड इटैलिक ये क्लास जब लगाएं तो इसके साथ साथ ये चेंज केस वाला फीचर भी काम करे, तो ये चेंज केस वाला जो फीचर है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो जैसे ही आप ये फीचर इसमें डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस पर ये दोनों क्लासेस आपने अप्लाई कर रखी हैं उस पर ये अप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड मैंने आपको बताए क्लासेस को यूज़ करने के। पहला मेथड तो है किसी एलिमेंट के साथ, दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्टली क्लास को डिफाइन कर लें, और तीसरा मेथड ये है कि फिर दो या तीन क्लास को इस तरह से लिखें और फिर उसका एक ब्लॉक बना दें। पर इसमें बस बात ये याद रखनी है कि जब फिर ये दो या तीन क्लास का जो भी कॉम्बिनेशन है जब किसी एलिमेंट पर लगाएंगे तो ही उसके ये वाला कोड परफॉर्म होगा, सिंगल सिंगल में जो उनके प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मामला हैं सिर्फ वही परफॉर्म होंगे, सही है। ये बात समझ में आ गई? तो ये इसका इस तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। क्लासेस से हमें जो